यूनिवर्सिटी में हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे इसकी, सल्फर की केमिकल प्रॉपर्टी। हमने ये पढ़ लिया था कि मेटल के साथ सल्फर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटल के साथ सल्फर मिलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे, कार्बन के साथ मिलाएंगे, क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ मिलाएंगे क्या बनेगा। अब रिएक्शन विद मेटल देख लिया, रिएक्शन विद नॉन मेटल देख लिया, रिएक्शन विद एसिड देख रहे हैं, एसिड के साथ मिलाएंगे सल्फर को तो क्या बनेगा, ये हम देख रहे हैं। सल्फर इज रेडिली ऑक्सीडाइज व्हेन वार्म्ड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड आल्सो विद कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर को जब किसी एसिड से मिलाओगे, ये एसिड है ना सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर को किसी एसिड से मिलाओगे H2O3 एसिड है, जब कंसंट्रेटेड एसिड से मिलाते हो सल्फर को तो क्या, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओगे सल्फर को, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओगे तो ये बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर को जब नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाओगे तो ये बना देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये एसिड के साथ मिलाएंगे तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगी और क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन अपना ऐड करा लेगा, सल्फर ऑक्सीजन अपना अंदर ऐड करा लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन अपना ऐड करा लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ये केमिकल रिएक्शन है इसका, ठीक है, इसमें बताइए रखता हूँ फिर दूसरी बात नहीं देखिए।